आपको अहम खबर दें, जंग में शोरकोट के करीब दो ट्रकों में तसादुम के नतीजे में तीन अफराद जाँ बहक हो गए जबकि दो जख्मी हैं। जंग में शोरकोट के करीब दो ट्रकों में तसादुम हुआ, नतीजतन तीन अफराद जाँ बहक हो गए जबकि दो जख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हैं जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जंग में शोरकोट के करीब दो ट्रकों में तसादुम के नतीजे में तीन अफराद जाँ बहक हो गए, दो जख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जंग में शोरकोट के करीब दो ट्रकों में तसादुम, तीन अफराद जाँ बहक जबकि दो जख्मी हो गए। तफसीलात जाने के नुमाइंदा 24 न्यूज़ मुबशर नकवी से। मुबशर नकवी, बताएगा हादसा पेश कैसे आया और मरने वालों का ताल्लुक कहाँ से है? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया झांकी तहसील शोरकोट में अड्डा कोटी के करीब पेश आया है जहां पर दो ट्रक जो है वो आपस में आमने सामने से टकरा गए हैं जिसके नतीजे में तीन जो है अफराद जाँ बहक हुए जबकि एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। जाँ बहक होने वाले अफराद की जो शिनाख्त है वो रिजवान और नईम के नाम से हुई है जबकि तीसरे जाँ बहक होने वाले शख्स के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। तमाम जो एक शख्स जख्मी हुआ है उसमें शाहिद अब्बास भी शामिल है जिसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में तेजी इमदाद दी जा रही है। इसी जख्मी का ये कहना है कि ये हादसा जो है तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है और के ट्रक का ड्राइवर जो है वो उसकी आंख लग गई थी और सामने से आने वाले ट्रक से इसकी टक्कर हुई और ये हादसा जो पेश आया है। तमाम जो अफराद जाँ बहक हुए इनके बारे में ये बताया गया है कि ये तीनों अफराद जो है वो सांगला हल्के रहने वाले हैं। तमाम पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मजीद तफ्तीश भी कर रही है। जी शुक्रिया मुबशर नकवी।